गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर टू, दैट इज़ हेल्थ एंड हाइजीन फॉर रिवीजन सेशन ऑफ साइंस. टुडे आई विल कवर सम टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड फर्दर आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हेल्थ क्या होता है? किसी भी ह्यूमन की वो स्टेट जिसमें उसकी फिजिकल और मेंटल जो दोनों कंडीशंस होती हैं, मतलब वो फिजिकली भी फिट होता है और मेंटली भी फिट होता है, उसी को उसको उस पर्सन की क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं जिसमें वो हेल्दी होता है. मींस वो पर्सन क्या होता है, हेल्दी होता है. पर्सन को फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अपने आसपास साफ़ सुथरा रखना चाहिए जिससे हाइजीन मेंटेन होता है, अपने आप को मतलब ऐसा फूड लेना चाहिए जिससे कि उसका इम्यून पावर अच्छा हो, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट करना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में पानी भी पीना चाहिए. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए? हर वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट. फूड कंटेन सम एसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट. मतलब हमारे खाने में हम जो कुछ भी खाते हैं उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं. उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और जो हम एक अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर इफ वी हैव अ डाइट विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल अलॉन्ग विद रफेज एंड वाटर इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, उसके साथ साथ रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका हमारे फूड में प्रेजेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि हम हेल्दी रह सकें. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. शुगर एंड स्टार्च आर टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो शुगर और स्टार्च होती है वो कार्बोहाइड्रेट के टू टाइप्स होते हैं. लाइक एग्जाम्पल, द फूड विच प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, सिरल, फ्रूट्स, कॉर्न, पटेटो, जो भी हमारा ब्रेड हो गया, बनाना हो गया, राइस हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में. और हर वो पर्सन जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करता है उसको कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम अमाउंट में लेना चाहिए. लाइक जो लेबर होते हैं, और लेबर होते हैं, जो फार्मर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. दैट्स व्हाई दे हैव टू टेक द फूड विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट, फैट्स. लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है हमें, वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो हमें एनर्जी देता है, उसी तरह से वो फूड जिसमें फैट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो भी हमें एनर्जी देता है. इनफैक्ट जो फैट से हमें, जो फैट को खाने से हमें जितनी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट को खाने से उतनी एनर्जी नहीं मिलती है. मीन्स फैट हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देता है, बट हमें ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है. हमें हमारे ओबेसिटी, हमारे मोटापे को बढ़ाता है, डायबिटीज़ के लिए हो सकती है इसको बहुत ज़्यादा लेने से, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकती हैं, इसलिए ये फैट से हमें एनर्जी तो मिलती है ज़्यादा अमाउंट में, बट इसे हमें लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए. और फैट और एनर्जी से, दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम फैट और एनर्जी दोनों को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट,
प्रोटीन हेल्प अस ग्रो। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं, छोटे बच्चे जिनकी अभी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है, उनके लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मसल्स की बिल्डिंग में हेल्प करता है। अगर बाय चांस हमारी किसी टिश्यू में कोई इंजरी आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो उन सब चीज़ों को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में मसल्स के बिल्डअप में हेल्प करता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। मिल्क, चीज़, चिकन, फिश, एग, नट्स, पल्सेड एंड सो ऑन आर रिच इन प्रोटीन। कुछ ये जो फूड आइटम्स दिए गए हैं जो कि प्रोटीन में, जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन, एज आई सेड अर्लियर। नेक्स्ट, विटामिन हेल्प्स आर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन से क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, विटामिन एंड मिनरल बोथ कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। ये हमारी बॉडी को अगर अलग अलग टाइप की डिजीज़ से लड़ने के लिए पावर देता है, और इनसे हमारी जो मिनरल्स होते हैं, इनसे हमारी बोन्स और मसल्स बनती हैं, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में ये हेल्प करते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के डिजीज़ से बचाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और मिनरल्स में क्या आते हैं, कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारी पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे हमारी पूरी बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लाइक कैल्शियम से हमारे टीथ और बोन्स में, बोन्स के फॉर्मेशन में और उनको हेल्दी रखने में हेल्प मिलती है। आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर जैसी डिजीज़ हो जाती है। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। इसी तरह विटामिन क्या होता है, विटामिन भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं, जिनकी हर एक विटामिन की हमारी बॉडी में नीड होती है, बट लिटिल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं चाहिए होता है, थोड़े से अमाउंट में ज़रूरत होती है इनकी। और ये क्या करते हैं, ये भी अलग अलग विटामिन हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप की डिजीजेस से बचाते हैं। सो बोथ आर नोन एज विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। नेक्स्ट, रफेज एंड वाटर। रफेज क्या होते हैं, रफेज हमारे फूड में, जो भी फूड और फ्रूट में जो भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, रफेज कहलाते हैं। और रफेज क्या करते हैं, हमारी फूड, हम जो भी फूड खाते हैं, उस खाने को जब वो पूरी तरीके, मतलब जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, बट कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड बच जाता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और रफेज के हेल्प से वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इसलिए रफेज जो होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो हम खाने के साथ सलाद लेते हैं, वो भी रिच सोर्स होता है रफेज का। नेक्स्ट, वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आर बॉडी। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट क्या होता है, वाटर ही होता है। उसका वेट जो होता है, जितना भी हमारी बॉडी का वेट है, उसका 2/3 पार्ट वाटर होता है। वाटर किस काम में हेल्प करता है, वाटर हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट पार्ट होता है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, लाइक स्वेट और यूरिन के फॉर्म में निकलता है, वो वाटर की हेल्प से निकलता है। और ये वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। हमें पर डे कितना वाटर लेना चाहिए, पर डे एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर लेना चाहिए। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। एज आई सेड अर्लियर,
द डाइट विच कंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल रफेज एंड वाटर इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। वो डाइट जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। फॉर ईटिंग हेल्दी ईटिंग द फूड ऑफ बैलेंस्ड डाइट डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स। जो हमारा बैलेंस्ड डाइट के जो फूड होते हैं वो फोर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं जिससे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फर्स्ट सरल ग्रुप, सरल मीन्स वो अनाज वाला ग्रुप जिसमें दाल चावल ये सब सॉरी रोटी चावल आता है, उनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप, वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप क्या होते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, रफेज मिलते हैं और ये हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के डिजीजेस से बचाते हैं। नेक्स्ट मिल्क ग्रुप लाइक चीज़ मिल्क कर्ड ये सब क्या होते हैं, मिल्क ग्रुप में आते हैं जो कि रिच इन प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, इनमें प्रोटीन फैट और मिनरल स्पेशली कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी बिल्डअप में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन ग्रुप, जो भी हमारा मीट फिश एग बीन्स नट पल्सेस ये सब हो गई, ये सब क्या होती हैं, प्रोटीन में रिच होती, मीन्स इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है और ये भी हमारे बॉडी के बिल्डअप में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, हमें फूड को ऐसा नहीं है कि हमने फूड बना लिया चार दिन के लिए बना के और उसको रख दें और पर डे वही चीज़ खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फूड को प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, उसको पकाने के बाद भी एक लिमिटेड अमाउंट में पकाना चाहिए जिससे कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो उसकी और उसे हमें स्टोर करके ना रखना पड़े। और अगर हम फूड लेके आते हैं तो हमें उसको ऐसा नहीं डायरेक्टली रॉ नहीं रॉ फॉर्म में नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई फ्रूट ऐसा है जिसे हम रॉ फॉर्म में खा भी रहे हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से वॉश करके खाना चाहिए, वॉश करके खाना चाहिए ताकि उस पर जो भी डस्ट पार्टिकल केमिकल्स और जर्म्स प्रेजेंट हैं वो हट जाएं। फूड शुड बी कुक्ड विद केयर सो दैट न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। जो फूड हम पकाते हैं उनको भी एक प्रॉपर तरीके से पकाना चाहिए, ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए, अगर ओवर कुकिंग हम कर देंगे तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। रॉ एंड कुक फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, उन्हें फूड जो भी होता है उसे हमें अच्छे से साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए, और अगर हम कोई सामान खाने का अगर बच जाता है तो उसे हमें फ्रीजर में फ्रिज में और डीप फ्रीजर में रखना चाहिए। कुछ मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के, लाइक डिहाइड्रेशन मींस वाटर कंटेंट को जो भी फूड मटेरियल उसे वाटर कंटेंट को ड्राई करके रखना उस ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। कैनिंग कैंस में रखना, उससे सारी रिफाइनिंग करके उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके रखे जाते हैं। सॉल्टिंग जैसे पिकल्स में होता है, सॉल्ट प्रिजर्वेटिव का काम करता है। स्वीटनिंग मीन्स जो हमारी जैम्स और जेलीज होती हैं वो उसमें स्वीट मीन्स शुगर डाली जाती है जो कि उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखता है, और स्वीट क्या करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है जैम और चलीज में। नेक्स्ट डिजीजेस, व्हेन वी आर सिक वी डू नॉट फील गुड एंड आर अनेबल टू वर्क प्रॉपरली। जब भी हमें कुछ अनहेल्दी फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, हमें बहुत ही गंदा सा फील होता है, बहुत ज़्यादा हम वीक फील करते हैं और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यही कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी डिजीज़। अ डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच आर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज़ क्या होती है, वो कंडीशन जिसमें हमारी पूरी बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू मैनी रीजन्स। जनरली डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल।
क्या होती है, डिजीजेस टू टाइप्स की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं, वो डिजीजेस जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती हैं, मींस नॉन कंटेजियस डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लाइक ये जो हमारे, अगर कोई डिजीज़ हमारे किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है तो वो क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई, उससे हमें अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो हमारे साथ अगर कोई पर्सन रह रहा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं, तो उन्हें भी विटामिन ए की कमी हो जाएगी और उन्हें भी वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो डिजीज़ जो हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं, उनको क्या कहते हैं हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है हमारी, मरास्मस। और प्रोटीन की कमी से और भी क्वासियोरकर भी हो जाता है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से हमारा जो हमारे बोन्स और टीथ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अभी और भी विटामिन हैं बट आपके कोर्स में यहीं तक हैं। Some non-communicable diseases are caused by bad habits like smoking and drinking also, drinking alcohol. Smoking is a main cause of cancer. कुछ non-communicable diseases ऐसी भी होती हैं जो हमारी bad habits की वजह से हो जाती हैं, like जो भी लोग smoking करते हैं, drinking करते हैं, उन्हें cancer हो जाता है, और भी अलग type की breathing problem हो जाती हैं। तो ऐसी जो डिजीज़ जो हमारी बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी होती हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं स्प्रेड आउट नहीं होती हैं। ओके क्लास, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।